हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी रामलाल ठाकुर ने सुरेश चंदेल के कांग्रेस में आने पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। रामलाल ठाकुर ने कहा कि सुरेश चंदेल के कांग्रेस में आने से निश्चित रूप से कांग्रेस को फायदा होने वाला है, क्योंकि वे 3 बार हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से सांसद रहे हैं और पूर्व में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी रामलाल ठाकुर ने सुरेश चंदेल के कांग्रेस में आने पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। रामलाल ठाकुर ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया प्रकट करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कहते हैं कि सुरेश चंदेल के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ये समझ लें कि सुरेश चंदेल भाजपा के वरिष्ठ नेता रहे हैं और उनके कांग्रेस में आने से अब कांग्रेस को फायदा होने वाला है। उन्होंने कहा कि भाजपा के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है, सुरेश चंदेल कांग्रेस में आए हैं और किन परिस्थितियों में कांग्रेस में आए हैं ये साफ बयां करता है। उन्होंने कहा कि भारतवर्ष के जो पुराने भाजपा नेताओं का हाल है उसे देखकर ये प्रतीत होता है कि क्यों लोग कांग्रेस की ओर जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर को पहले मुरली मनोहर जोशी द्वारा वरिष्ठ नेता लाल किशन आडवाणी को लिखे पत्र को पढ़ लेना चाहिए, उसके बाद ही कोई बयानबाजी करनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी तो ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है ये सुरेश चंदेल अगर कांग्रेस पार्टी में आ गया तो उनको उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सुरेश चंदेल 3 बार मेंबर पार्लियामेंट रहे हैं और सुरेश चंदेल भी हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं। आज वो किन परिस्थितियों में कांग्रेस पार्टी में आए हैं ये मैं कहूँगा कि भारतवर्ष के जो पुराने भारतीय जनता पार्टी के नेता है मुरली मनोहर जोशी, जो इन्होंने आडवाणी को पत्र लिखा है, उस पत्र को कृपया करके जयराम जी पढ़ लें और उसके बाद जो है वो बयानबाजी करें।